Now, physical properties. Physical properties of amines. हम देख रहे हैं अब physical properties. जरा ध्यान से देखिए. Physical properties of amines. Alcohols जैसे हमने पढ़ा है, similar properties show होते हैं. यहाँ पर trends same है, सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्योंकि functional group change है, तो थोड़ा variation रहेगा. Okay. जो physical state है, physical state, तो lower members are liquids. जो lower members होते हैं, lower members are gases. Lower members are gases. Three carbon and more. Three carbon and more जो रहेंगे, they are liquids. जैसे propyl amine, C3H. कितना? 7 NH2. तो जो three carbon वाले हैं या उससे ज्यादा जो रहेंगे, they are liquids. ओके. एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड, वैक्सी सॉलिड. ओके. अल्कोहल में कोई भी मेंबर गैस नहीं था, ठीक है. ओके. अमोनिया भी गैस होता है, मिथाइलामाइन गैस है. लोअर मेंबर्स गैस, थ्री कार्बन उसके आगे जाएंगे लिक्विड, और हायर मेंबर्स क्या रहेंगे? वैक्सी सॉलिड. तो ये हो गया ऑर्डर. स्मेल, सो लोअर मेंबर्स मिथाइलामाइन इथाइलामाइन, दे शोज फिशी ऑर्डर. फिश की तरह स्मेल आती है. फिश मार्केट देखा ना आपने, फिश में स्मेल आती है कैसी? तो वैसे ही फिशी ऑर्डर रहेंगी लोअर में. बट ऑर्डर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलार मास. डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलार मास. मोलार मास, कार्बन नंबर जैसे बढ़ते जाएगा, उसका स्मेल, उसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा? कम होता जाएगा. ओके. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी. ओके. जनरली हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलार, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बन वाले कंपाउंड, वो नॉन पोलार होते हैं. और वाटर क्या होता है? पोलार. पोलार नॉन पोलार की नहीं जमती है ना, तो इनसॉल्युबल होते हैं. बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर. जैसे अल्कोहल में भी पढ़ा हमने, अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो भी सॉल्युबल था, राइट? तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये सॉल्युबल है. सो अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर. अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर. ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वाटर सॉल्युबल है. हाउ? जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ RnH2 प्राइमरी अमाइन. ओके. सो वी नो दैट दिस हाइड्रोजन इज पार्शली पॉजिटिव, नाइट्रोजन पार्शली निगेटिव. सो देर आर टू पार्शल पॉजिटिव, so there are two partial positive hydrogens. These partial positive hydrogens form hydrogen bond with oxygen. ये जो water का oxygen है, इसके साथ ये बनाएंगे hydrogen bond. ये partial negative oxygen और ये hydrogen. So due to this hydrogen bonding, amines are soluble in water. वाटर के साथ बॉन्ड बना रहे, मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहे, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, फैल रहे, वो जिसको हम सोल्वोलिसिस भी कहते हैं. सोल्वोलिसिस वाटर के साथ जो मिक्सिंग होता है इसका, ठीक है. तो यहाँ पर सोल्वोलिसिस यानी सॉल्युबिलिटी होगा बिकॉज दे फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके. तो अमाइंस आर सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर आपने इनका कंपैरिजन किया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का, तो प्राइमरी अमाइंस आर मोर सॉल्युबल देन दी सेकेंडरी. आप देखेंगे यहाँ पर सेकेंडरी के अंदर हो रहा है R
एन एच आर, देर इज ओनली वन हाइड्रोजन इज अवेलेबल फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो यहां पर एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट? तो इसलिए इसका सॉल्युबिलिटी क्या रहेगा? लेस. और अगर आप टर्चरी के केस में जाते हैं तो वहां पर कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन, यानी जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है. इसलिए सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इस तरह से हो जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्चरी अमाइन. ओके. और अगर हम सेम प्राइमरी अमाइन के अंदर लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल यहां पर लेते हैं ओनली इन प्राइमरी अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन में आप देखेंगे कि जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या होते जाएंगी? कम होते जाएंगी. ये हमने अल्कोहल में भी पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलार मास. तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलार मास. व्हाई? बिकॉज व्हेन मोलार मास इंक्रीजेस, नॉन पोलार पार्ट यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक पार्ट. क्योंकि जो नॉन पोलार पार्ट है वो वाटर से हेट करता है, क्योंकि वाटर कौन है? पोलार. कार्बन बढ़ रहे मतलब नॉन पोलार बढ़ रहा है, तो नॉन पोलार वाटर से क्या करता है? हेट. उस हेट को बोलते हैं फोबिया, उसका डर, दूर भाग रहा है उससे वो, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बोलते हैं उसको. जैसे जैसे मोलार मास बढ़ेगा मतलब कार्बन बढ़ेगा, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, वो वाटर से दूर भागेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम. प्राइमरी ज्यादा है सेकेंडरी से, ज्यादा है टर्चरी से, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर ओनली प्राइमरी देखा तो उसमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल वो रहेगा जिसका पार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट छोटा है, मतलब जिसका मोलार मास कम है. तो सेम अल्कोहल की तरह है कि यहां पर हम कहेंगे इसको सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलार मास. अब सेम फोर कार्बन वाले हैं, जैसे वो ब्यूटाइलामाइन है ना, ये इथाइलामाइन, प्रोपाइलामाइन, ब्यूटाइलामाइन. अब मैं ब्यूटाइल अमाइन ले रहा हूं, 1 2 3 4 ब्यूटाइल अमाइन, 1 2 3 4 आइसो ब्यूटाइल अमाइन, 1 2 3 4 टर्चरी ब्यूटाइल अमाइन. तो सेम मोलार मास वाले जब आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? आइसोमेरिक. क्या बोलते हैं इनको? सो इन आइसोमेरिक अमाइन सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के साथ साथ बढ़ेंगी. रीजन क्या है? कार्बन तो सब में 4-4 है, लेकिन ब्रांच बढ़ने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा होते जाता है, यानी कॉम्पैक्ट होते जाता है. तो हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो गया? यहाँ पर कॉम्पैक्ट हो गया, ब्रांच आने से वो कॉम्पैक्ट हो गया. और हाइड्रोफोबिक मतलब नॉन पोलार, तो नॉन पोलार पार्ट जब छोटा हो रहा है तो वाटर से जमेगी ना उसकी धीरे धीरे, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ती है. तो हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलार मास. सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग. तो ये आपको याद रखना है. एक और पॉइंट सॉल्युबिलिटी में, ये था फर्स्ट पॉइंट, ये था सेकंड पॉइंट, ये था थर्ड पॉइंट. एक फोर्थ पॉइंट है कि हम बोलते हैं कि अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द अमाइंस. अमाइंस से ज्यादा सॉल्युबल है अल्कोहल. रीजन है पोलैरिटी. जैसे ये अल्कोहल है आर ओ एच, और ये है अमाइन आर एन एच टू, पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव. लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है 3.5 और यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 3. तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है? मतलब ये तो 2.1 होता है, ये भी 2.1 होता है हाइड्रोजन. तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कहां पर दिख रहा है आपको?
OH में तो यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, मतलब पोलैरिटी ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा है, जिससे ये वाटर के साथ बहुत अच्छे से बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पर ये वाटर के साथ ये भी बनाता है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा क्या बनाएगा, ये वीक। समझा आपको। तो जहां पोलैरिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा रहा, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना अपनी तरफ, जिससे एच क्या बनेगा, मोर पॉजिटिव। जब ज्यादा पॉजिटिव बनेगा तो वाटर के साथ इंट्रैक्शन अच्छा रहेगा ना, इसलिए अल्कोहल्स आर मोर सॉल्युबल। तो ऑर्डर तो मैंने आपको पहले लास्ट टाइम बता दिया था, एसिड देन अल्कोहल देन अमाइंस, पूरे याद है ना आपको। तो सिंपल अभी सिर्फ ये याद रखिए कि अल्कोहल शोज हायर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट देन दी अमाइंस, शोज मोर देन दी अल्केन, क्योंकि अल्केन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है ना, इसलिए अमाइन तो ज्यादा शो करने वाला है। वैसे मैंने पूरा ऑर्डर बताया था आपको, याद है क्या ऑर्डर, क्या भूल गए? मैंने आपको बताया था ऑर्डर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में, कार्बोऑक्सैलिक एसिड्स देन अल्कोहल देन प्राइमरी अमाइन देन सेकेंडरी अमाइन देन टर्शियरी अमाइन देन एल्डिहाइड देन कीटोन देन क्या देखा था हमने, अल्काइल हैलाइड ईथर अल्केन यानी हाइड्रोकार्बन, याद है आपको? ओके, अब जरा ध्यान से देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अगेन दे फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, सो दे विल शो हायर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट देन दी अल्केन्स। अल्केन के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सबको पता है ना आपको, अरे ये बात पता है कि नहीं है? अल्कोहल्स का भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था अल्केन से, रीजन हाइड्रोजन में, अरे भाई आपस में होंगी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर कैसे, ये लिया आपने अमाइन, ये दूसरा अमाइन RNH2 RNH2, तो ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ना, अरे भाई वाटर के साथ तो बनाते ही है, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे अपन तो किसका निकालते, प्योर लिक्विड का निकालते ना, वहाँ वाटर थोड़ी है, बॉइलिंग पॉइंट किसका निकालते, प्योर लिक्विड का, तो प्योर लिक्विड में भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, इसका पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इसका पार्शियल निगेटिव नाइट्रोजन, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? सो दे शोज हाइयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट देन दी अल्केन्स, लेकिन अल्कोहल से कम ही रहेगा, सेम रीजन क्या है, पोलैरिटी, समझा आपको? सो दे शोज हाइयर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देन दी अल्कोहल्स, सॉरी अल्केन्स देन दी अल्केन्स, और फिर बाकी का ऑर्डर सेम रहेगा जो अल्कोहल में हमने पढ़ा था। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी के उल्टा होता है ना, विथ इंक्रीज इन मोलार मास, जितना मोलार मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, CH3CH2CH2NH2 किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ब्यूटाइल अमाइन का, क्यों, क्योंकि जो प्रोपाइल अमाइन है, अब यहाँ हाइड्रोफोबिक नहीं देखना है क्योंकि वाटर थोड़ी है यहाँ पर, यहाँ दूसरा इफेक्ट देखना है, प्रोपाइल अमाइन में नंबर ऑफ कार्बन कम है तो वंडरवॉल इंट्रैक्शन भी क्या होगा, कम, वैंडरवॉल इंट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वीक अट्रैक्शन रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, वंडरवॉल इंट्रैक्शन, तो ये कम है। फोर कार्बन में कार्बन नंबर बढ़ गया है, एरिया बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है, वंडरवॉल इंट्रैक्शन ज्यादा, वंडरवॉल इंट्रैक्शन जब ज्यादा हो जाएगा तो सेपरेट करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा, तो इसलिए हम बोलेंगे यहां पर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मोलार मास। समझा आपको? अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, कार्बन सबके पास सेम, प्राइमरी चार कार्बन CH3 CH2 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 NH2, सेकेंडरी अमाइन
इधर एक इथाइल, इधर एक इथाइल, बीच में NH। टर्चरी, इधर दो कार्बन मतलब इथाइल, इधर मिथाइल मिथाइल। अब मेरे को बताओ सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? प्राइमरी का, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट पूरा एक जगह है, वॉल्यूम बड़ा है, वंडरवॉल इंट्रैक्शन ज़्यादा। तो ये क्या रहेगा ऑर्डर? प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी। समझा? सो राइट, लिखिए इसको।